के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने और एलजी साहब ने मिलके लगभग 400 ई बसेस का इनॉग्रेशन किया। 400 ई बसेस आज और दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं। इसके पहले 400 बसेस ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल रही थी, तो अब 800 इलेक्ट्रिक बसेस, बिल्कुल मॉडर्न एयर कंडीशन्ड बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलने लगी हैं। और इसके साथ दिल्ली देश का वो शहर बन गया जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। जैसा मैंने बताया, इसके पहले 400 बसेस चल रही थी, 400 और आज आ गई तो 800 बसेस हो गई हैं। इस साल 2023 के अंत तक हमारे पास उम्मीद है कि 1900 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे आ जाएंगी। 800 बसेस के साथ दिल्ली देश का शहर हो गया सबसे ज़्यादा बसों वाला, और 1900 बसेस आने के बाद दुनिया के चुनिंदा शहरों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया के में सबसे ज़्यादा होंगी, पर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा जहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। और 1900 बसेस आने के बाद हर साल हम 1.07 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे। जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि 2025 तक का हमारा लक्ष्य है, दिसंबर 2025 तक टोटल दिल्ली की सड़कों पे 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% बसेस, 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगे। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है और ये किसी भी क्रांति से कम नहीं है कि आज हम 2023 में बैठे हैं, लगभग 2.25 साल के बाद हमारे पास 8,280 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, और जो कि 80% ऑफ द फ्लीट जो है वो, जबकि अभी 800 बसें हैं, 800 से 8,000, 10 टाइम्स बसें हम 2.5 साल के अंदर, 2.25 साल में ले जाएंगे। ये बसें जीरो पोल्यूशन करती हैं, एक सिंगल रिचार्ज चार्ज पे 225 किलोमीटर चलती है बस। सो एक बार अगर चार्ज हो जाए तो लगभग पूरा दिन उसका काम चल जाता है। सारी बसेस एयर कंडीशनड हैं, और इसमें डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं उनके लिए रैंप है, और अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी की पूरी बस भी नील कर जाती है किसी भी डिफरेंटली एबल्ड आदमी को ऊपर चढ़ाने के लिए। स्टेपलेस बोर्डिंग है क्योंकि लो फ्लोर बसेस हैं, जिससे लोगों को सहूलियत होती है। हर बस में तीन तीन सीसीटीवी कैमरे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन्स हैं। कंट्रोल रूम के साथ हर बस का टू वे कम्युनिकेशन है, और हर बस में जीपीएस यूनिट है उसकी लाइव ट्रैकिंग करने के लिए बसे बस की, और डिस्क ब्रेक्स हैं, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है। आज की डेट में टोटल अभी बसें आई हैं, लेकिन कई बसेस जो हैं वो अपनी, उनकी लाइफ पूरी हो गई थी, वो रिटायर भी हो गई हैं। आज की डेट में टोटल 7,135 बसें बची हैं दिल्ली में, जिसमें से 800 ई बसेस हैं और 6,335 जो हैं वो सीएनजी की बसेस हैं। इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था। 921 बसें हमें केंद्र सरकार की, 921 बसों पे सब्सिडी मिल रही है। हर बस पे 45 लाख रुपए की लगभग हमें सब्सिडी मिलेगी, और 921 बसों पे मिला के 417 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हर बस की लाइफ जो है वो 12 साल है, तो टोटल खर्चा 900, इन 921 बसों पे टोटल खर्चा 4,091 करोड़, लगभग 4,100 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे, 10% केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी 90% जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करेगी। तो 8,200 बसों का जो हमारा टारगेट है, उसमें से 900 ये और 300 बसें पहले, 1,200 बसें हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी से मिलेगी, और बाकी सारी बसेस हम अपने पैसे से लाएंगे। हमारी तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जैसे इन 1,200 बसों पे सब्सिडी दे रहे हो, बाकियों पे भी सब्सिडी अगर दें तो अच्छा रहेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बसों पे भी दे रहे हैं, औरों पे भी देंगे, हम उम्मीद करते हैं। केवल बसें खरीदने से काम नहीं चलेगा,
इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अलग किस्म के बस डिपो बनते हैं जहाँ पे रिचार्जिंग होती है। तो अभी तक हम 182 करोड़ रुपए खर्च करके 1,500 ई बसेस का हमने खड़े करने का डिपोज का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये जो आज 400 ई बसेस आई हैं ये टाटा मोटर्स की हैं, और ये मायापुरी, नेहरू प्लेस, रोहिणी वन, रोहिणी टू और बंदा बहादुर मार्ग डिपो से चलेंगी। इसके अलावा 3,980 बसेस जिनमें जीरो सब्सिडी है उसका भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और वो भी जल्दी आना चालू हो जाएंगी। तो एक तरह से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्जन की एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं, और 2 साल के अंदर हम दुनिया के नक्शे पे होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली के अंदर होंगी। अगर इस पे आपके कोई प्रश्न है तो सारा श्रेय उन्हीं को और सारी मेहनत हमारी, सारा, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ सारा श्रेय उन्हीं का। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इंडिया और भारत को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन है उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा, और कुछ निमंत्रण भी राष्ट्रपति की तरफ साथ में देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई देश, इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया। और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है, ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है। देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी? बेरोजगारी कम हो जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन का, वन नेशन वन इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब उसमें एलजी साहब ने कुछ क्वेरीज लगा के भेजी हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं हम उनका जवाब दे देंगे। सर बसेस का मुद्दा पे जो हम बात कर रहे थे, एक और महत्वाकांक्षी योजना है मोहल्ला बसेस की, जिसके ऊपर काफी काम चल रहा है, लेकिन अभी जो ये मैं आज ही इनसे बात कर रहा था, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर इसको लॉन्च करेंगे, हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। सर एक बहस समाधान को लेकर भी जुड़ी हुई है जिस पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया दल के जो लोग हैं वो चुप्पी साध गए, बीजेपी आउट कर रही है, इस पर आप मुझे ये लग मैं भी सनातन धर्म से हूँ,
ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24